हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक मैं आपके साथ लेटर ए टू ई एंड लेटर एफ टू जे एंड लेटर के टू ओ एंड लेटर पी टू टी मैंने वर्कशीट शेयर की हैं। आज मैं आपके साथ लेटर यू से लेटर जी तक की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। ये आपको वीक फाइव प्रोग्राम है, फाइव वीक्स में आपको ये एक वीक में एक सेट बनाना है और बच्चे को कराना है। और ये मैंने सारी शीट्स पहले भी मैंने फाइल प्रोटेक्टर के अंदर रखी हैं, जिससे आप इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। सो आर फर्स्ट वर्कशीट इज़ ट्रेस द पाथ फ्रॉम द लेटर टू द पिक्चर। तो लेटर यू, यू फॉर अंडर, यहाँ पर मैंने स्टिकर यूज़ किए हुए हैं। आप पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं, स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने किसी को भी स्ट्रेट लाइन में नहीं लिया हुआ है, मैंने सबको जिगजैग पैटर्न या कर्व में लिया हुआ है, जिसमें बच्चों के जो प्री राइटिंग स्ट्रोक हैं वो भी इसमें रिपीट हो जाएंगे। लेटर वी, वी फॉर बैट, दिस वे। डब्ल्यू, डब्ल्यू इज फॉर वस्प। एक्स, एक्स इज फॉर एक्सरे। वाई, वाई इज फॉर याक। एंड जी, जी इज फॉर ज़ेब्रा। आप इसमें कुछ और भी पैटर्न बना सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट वर्कशीट इज फिनिश द यू पैटर्न। यहाँ पर मैंने ये सीरीज फॉलो की है, लाइक यू यू यू, कैपिटल यू, सो व्हाट विल कम नेक्स्ट, यू। यहाँ पर स्मॉल यू, यू यू यू, सो स्मॉल यू। नाउ कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, नाउ व्हाट विल कम, स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल, नाउ व्हाट विल कम, कैपिटल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। ये सारे पैटर्न वर्कशीट करने से बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल और थिंकिंग पावर बहुत इम्प्रूव होती है, उसमें कंसंट्रेशन से वो इस वर्कशीट को करते हैं। और नेक्स्ट वर्कशीट इज कनेक्ट द सेम कलर वेजिटेबल टू ईच अदर। यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर की वेजिटेबल के स्टिकर लगाए हुए हैं, तो बच्चों को जो सेम कलर की वेजिटेबल हैं उन्हें कनेक्ट करना है। जैसे पर ग्रीन, ग्रीन और ग्रीन, तो दे नीड टू कनेक्ट इन दिस वे। यहाँ पर वो उन्हें वेजिटेबल के आप नेम भी पूछ सकते हैं कि विच वेजिटेबल इज़ दिस, विच वन इज़ दिस, और जो वट एवर दे लाइक इट, अगर वेजिटेबल जो भी उन्हें अच्छी लगती हैं आप उनके स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। इससे उन्हें कलर आइडेंटिफिकेशन भी होता है, जैसे यहाँ पर पोटैटो कॉर्न एंड लेमन इज़ येलो, सो नीड टू ट्रेस इट लाइक दिस। हेयर रेड, नाउ टोमेटो पेपर एंड चिली, सो ओनली रेड दे नीड टू कनेक्ट, यहाँ पर रेड टू रेड। नाउ हेयर पिंक, यहाँ पर अनियन, तो यहाँ पर उनका कलर मैचिंग भी हो जाती है, वेजिटेबल भी आइडेंटिफिकेशन होता है और इससे इस वर्कशीट से। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट है कलर द डब्ल्यूज पिंक। यहाँ पर मैंने डब्ल्यू इज़ फॉर वाटरमेलन, ये वाटरमेलन ड्रॉ किया हुआ है, स्लाइस ऑफ वाटरमेलन, तो फिर मैंने उसके अराउंड ऑफ एक्स्ट्रा लाइंस भी ड्रॉ की हैं, जिससे उन्हें पिक्चर में पहले तो एकदम से क्लियर डब्ल्यू दिख नहीं रहा है, तो दे नीड टू आइडेंटिफाई वेयर इज़ डब्ल्यू, हेयर इज़ डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, हेयर डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। फर्स्ट दे नीड टू फाइंड आउट द डब्ल्यू, आफ्टर दैट उसमें उन्हें कलर पिंक करना है। तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू जहाँ पर भी उन्हें कलर, जैसे ही वो पिंक करेंगे तो उन्हें यहाँ पर वाटरमेलन स्लाइस दिखने लगेगी, इससे वो लेटर डब्ल्यू आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लेटर लिखे हुए हैं। अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है तो आप इसमें थोड़ी कम लाइन ड्रॉ करिए, स्लाइस बनाने के बाद आप एक या दो लाइन ही ड्रॉ करें। और नेक्स्ट वर्कशीट इज कनेक्ट द डॉट्स इन ऑर्डर। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों को डॉट्स कनेक्ट करना है, सपोज ए टू जी, बी, B to C, C to D, D to E, F, now G। इसके साथ साथ वो बोल अल्फ़ाबेट उन्हें स्पीक भी वो करते जाएंगे, एज वेल एज G, H, I, J, K, L, M, now N start from N, O, P, Q, R, S, now T, U, V, W, X। मैंने यहाँ पर ए टू एक्स ही ड्रॉ किया हुआ था। आपको इतना नहीं करना है तो आप कुछ अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। और नेक्स्ट वर्कशीट इज इट्स अ मेज,
विच पाथ गोज टू द यान, ट्रेस इट। यहाँ पर मैंने कैट ड्रॉ की है और कैट को यान तक मैंने बहुत सारे पाथ यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो या तो आप ये एक्टिविटी उन्हें मार्कर से या फिंगर भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं कि उन्हें फिंगर की हेल्प से पाथ को फॉलो करना है कि कौन सा पाथ कहाँ जा रहा है। यहाँ से अगर वो फर्स्ट से वो चारों, और मैं यहाँ पर मैंने फोर ड्रॉ किए हैं, तो वो फोर उसी फिंगर को लेके ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं कि विच पाथ विल गो गोज टू यान, सो दिस वन। नाउ सेकेंड वन, इट विल गो फ्रॉम यर नो। नाउ थर्ड वन, विल इट गो नो। नाउ फोर्थ वन, विल इट गो नो। देयर इज ओनली वन पाथ, दिस वन। और वो इसमें मार्कर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फोर कलर के मार्कर वो यूज करके पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। Our next worksheet is find and circle the five hidden G's in the picture. G is for zeppelin. यहाँ पर मैंने zeppelin draw की हुई है और इस picture में मैंने around of five G लिखे हुए हैं। तो kids need to find it. So circle one G, now two G, now where is G? Three G, now here four G, and now here is five G. तो यार 5G, आप 5 मोर देन 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा पिक्चर में ज़्यादा Z लिख सकते हैं। और इस पिक्चर को उन्हें Z फाइंड आउट करने के बाद Zeppelin को कलर भी करना है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से बच्चों को दीज ऑल आर द फन एक्टिविटी, इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है और वो थोड़ी देर के लिए वर्कशीट करने के लिए बैठते भी हैं। अगर हम उन्हें सिंपल अल्फाबेट ड्रॉ करने को दे देते हैं तो वो उन्हें बोरिंग भी लगता है और वो उतनी देर तक बैठते नहीं हैं। और उसके बाद आप उन्हें डेली, एज आई सेड अर्लियर, आप उन्हें ये वर्कशीट कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर एंड नंबर, ये तीनों वर्कशीट आप उन्हें डेली बेसिस पे ट्रेस करा सकते हैं। अगर वो चार पांच लेटर भी ट्रेस करते हैं दैट इज़ इनफ, आप उतने ही कराएं, उन्हें फोर्स ना करें। उसके बाद वो धीरे धीरे उस चीज़ के, आप डेली डेली जब एवरी वीक आप ये पेजेस यूज़ करोगे, सेम पेजेस और इसमें नंबर लिखे हुए हैं सारे, तो अगर वो नंबर बेसिस पे करते हैं ना तो उन्हें इस पैटर्न, उन्हें पूरा पैटर्न रिवाइज हो जाएगा और वो अल्फाबेट ड्रॉ भी कर सकेंगे। सारे फाइल प्रोटेक्टर में रखे हुए हैं पेजेस, तो आप इन शीट्स को अगेन एंड अगेन यूज़ भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।